क्या आपको मालूम है कि ईद के दिन कब्र में मुर्दे क्यों रोते हैं? तो अल्लाह ने ईद और बकरा ईद के दिन खुशियां मनाने का हुक्म दिया है। जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ गए और वहां आपने देखा वहां के लोग साल में दो दिन मेला लगाते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं, तो आपने मदीना वालों से पूछा कि ये क्या है? तो मदीना के मुसलमानों ने कहा कि हम पिछले ज़माने से साल में दो दिन खुशियां मनाते हैं। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इनके बदले इनसे बेहतर दो दिन खुशियां मनाने के लिए अता किए हैं, ईद उल फितर का दिन और ईद उल अजहा का दिन, यानी ईद और बकरा ईद के दिन तुम खूब खुशियां मनाया करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, अच्छे अच्छे खाना खाया करो, खुशबू लगाया करो, एक दूसरे के घर तोहफे बांटा करो। तो जहाँ ईद के दिन सारे मुसलमान खुशियां मनाते हैं, वहीं कब्र के अंदर कुछ कब्र वाले ईद के आने पर रोते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने में कब्र से अजाब उठा लिया जाता है और जो कोई भी इस महीने में मरता है उससे कोई सवालों जवाब नहीं होता, उस पर कोई अजाब नहीं होता, चाहे वो कितना भी गुनहगार हो, सबके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इस महीने में जहाँ से उनकी कब्र के अंदर हवा आती है और सुकून नाजिल होता है, मगर रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही गुनहगार लोगों पर फिर से अजाब होना शुरू हो जाता है, उनके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इसी वजह से ईद के दिन गुनहगार मुर्दे अपनी कब्र में रोने लगते हैं कि हाय हाय वो महीना चला गया जिस महीने में हमसे अजाब उठा लिया गया था, हाय हाय वो मुबारक महीना चला गया, तो हम जैसे गुनहगार लोगों के लिए भी रहमत लेकर आया था, अब फिर से हम पर अजाब होना शुरू हो जाएगा। काश हम दुनिया में गुनाह नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, तो हमारी कब्र भी रोशन रहती हमेशा के लिए और जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता। अब वो मुर्दे अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद है, मगर हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। तो तौबा करके अपने रब की तरफ लौट आओ। या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।